खबर अब झारखंड के रांची से है। सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन हो रहा है, सहायक पुलिसकर्मी का ये प्रदर्शन जारी है। सीएम आवास पहुंचने के लिए बैरिकेड तक तोड़ दिए गए हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया है लाठीचार्ज। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर ये प्रदर्शन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर, वेतन वृद्धि की मांग और बाकी कुछ मांगों को लेकर सड़कों पर आ गए यहाँ पर लोग और सीएम आवास के बाहर ये प्रदर्शन तेज हो गया। सहायक पुलिसकर्मी है ये जिनका प्रदर्शन चल रहा है, सीएम आवास तक पहुंचने के लिए आगे बढ़ते हुए नजर आए और बैरिकेड्स जगह जगह लगे हुए हैं इन लोगों को रोकने के लिए। आप ये समझिए कि पुलिसकर्मी जिन पर कानून व्यवस्था बेहतर करने और सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी होती है, अब यही सहायक पुलिसकर्मी हैं जिनका आंदोलन बढ़ गया है और सीएम आवास की तरफ जाने के लिए ये लोग कोशिश करते हुए नजर आए। एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती वहां पर करनी पड़ी, जैसे तैसे लोगों को वहां से खदेड़ने की कोशिश हुई, चूंकि सीएम आवास के पास वो लोग पहुंच रहे थे। यहां पर देखिए बैनर पोस्टर पर लिखा है वर दिए इंसाफ, वेतन वृद्धि की मांग इन लोगों के जरिए हो रही है। अब यहाँ पर पुलिस के लिए बड़ी ज़्यादा चुनौती ये है कि सहायक पुलिसकर्मी ये हैं, अब पुलिस इन्हें कंट्रोल भी कर रही है, वहाँ से हटाने और समझाने की कोशिश भी कर रही है। सहायक पुलिसकर्मियों का ये आंदोलन अब पहुँच गया है सीएम आवास के बाहर तक। रितेश मिश्रा ज़्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर हमारे साथ। रितेश, बड़ी मुश्किल यहाँ पर तो आ गई है, पुलिस ही पुलिस को कंट्रोल करे तो कैसे करे? सहायक पुलिसकर्मियों की मांग क्या क्या है, कब से प्रदर्शन चल रहा है? अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सहायक पुलिसकर्मी हैं और झारखंड के लॉ एंड ऑर्डर से लेकर बाकी चीज़ों में इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लंबे अरसे से ये अपनी वेतन वृद्धि की मांग कर रहे हैं कि वेतन जो है उसे बढ़ाया जाए। इसके अलावा कई सारी अन्य सुविधाओं को लेकर भी ये लगातार आंदोलन करते आए हैं, लेकिन आज एक लंबे समय के बाद एक बार फिर से इनका प्रदर्शन शुरू हुआ। और पहले तो इन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट रहेगा, लेकिन बाद में इनका जो काफिला है ये सीएम आवास तक पहुंचा, क्योंकि सेंसिटिव जोन है, सीएम की सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ मामला रहता है। ये बैरिकेडिंग तोड़कर अंदर जाना चाहते थे और सीएम के समक्ष अपनी बात रखना चाहते थे। उसके बाद फिर पुलिस ने एक्शन लिया, इनके ऊपर लाठीचार्ज की गई है, कई लोगों को चोट भी लगी है, कई लोग घायल भी हुए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि वेतन अगर नहीं बढ़ेगा, कुछ परेशानी आएगी, तो आपका अधिकार है कि आप प्रोटेस्ट कीजिए, आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन नियमों के अधीन होकर आपको सारा चीज करने पड़ेगा। दूसरी तरफ आप खुद पुलिसकर्मी हैं, सहायक पुलिसकर्मी का दर्जा है आपके ऊपर, और अगर आप कानून व्यवस्था तोड़ेंगे तो फिर आपके ऊपर भी सवाल उठेंगे। तो इसको लेकर अभी रांची में माहौल काफ़ी गर्म है। विपक्ष के कई सारे आरोप हैं हेमंत सोरेन सरकार के ऊपर कि देखिए कि किस तरह से अपने ही महकमे के लोगों के साथ हेमंत सरकार जो है वो भेदभाव की नीति अपनाती है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और अभी जो स्थिति है वो तनावपूर्ण बनी हुई है और पुलिस प्रशासन की यही कोशिश है कि जल्द से जल्द स्थिति को सामान्य किया जाए। जी, अब हालात सामान्य होंगे कैसे, ये बड़ा सवाल बना हुआ है, ये बताइए। चूंकि अब यहाँ पर एक्स्ट्रा फोर्स की तैनाती भी नजर आ रही है तस्वीरों में, पुलिस के जवान भी हैं जो इन सहायक पुलिसकर्मियों को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कितने की संख्या में ये पुलिसकर्मी हैं, सहायक पुलिसकर्मी जो कि हाथों में बैनर पोस्टर लेकर आए हैं, और रोकने के इंतजाम अब क्या हैं? अब बिल्कुल देखिए कि झारखंड के सभी ज़िलों से जो पुलिसकर्मी हैं, हज़ारों की तादाद में जो सहायक पुलिसकर्मी हैं वो प्रदर्शन करने पहुंचे थे, और ये प्रदर्शन की जो तिथि है या उसका वेन्यू है ये काफ़ी पहले से तय था, लिहाजा बड़ी तादाद में ये लोग अपनी आवाज़ बुलंद करने पहुंचे थे। और पहले तो इन्हें कहा गया था कि आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें, अपना ज्ञापन जो है वो संबंधित अधिकारी या फिर संबंधित मंत्री तक आप पहुँचाएँ, लेकिन जब ये लोग आमादा हो गए कि नहीं, हम मुख्यमंत्री से ही मिलेंगे, हम मुख्यमंत्री आवास जाएंगे, वहाँ मुख्यमंत्री से मिलेंगे, उसके बाद पुलिस ने पहले इन्हें समझाया, जब नहीं समझे उसके बाद फिर इन पर कानून सम्मत कार्रवाई की गई, लाठीचार्ज की गई। वहाँ पर देखिए कि किस तरीके से वाटर कैनन की भी तैनाती कर दी गई है, एक्स्ट्रा फोर्सेज मंगा लिया गया है ताकि किसी तरह की विधि व्यवस्था और मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर कोई सवाल न उठे, क्योंकि आपको पता है कि झारखंड जो है वो नक्सल प्रभावित राज्य है और
और वहाँ पर थोड़ी सी भी चूक और थोड़ी सी भी लापरवाही काफ़ी बड़ी भूल साबित हो सकती है। लिहाजा पुलिसकर्मियों ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है, अभी भी इन्हें समझाने की कोशिश जारी है कि आप अपना प्रदर्शन करें, दूसरे हिस्से में करें, जहाँ पर प्रदर्शन स्थल बनाया गया है वहाँ आप प्रदर्शन करें, अपना ज्ञापन सौंपें। लेकिन इनका प्रदर्शन जो है वो काफ़ी उग्र होता जा रहा था और अंत में फिर पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, इनके ऊपर एक्शन लेना पड़ा, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाद में जिन्हें छोड़ भी दिया जाएगा। जी, प्रदर्शन उग्र हुआ इसीलिए ये कड़ा एक्शन लेना भी पड़ा और फिर यहाँ पर हल्का बल प्रयोग भी किया गया है, जैसा हम तस्वीरों में देख रहे हैं, वहाँ से सहायक पुलिसकर्मियों को हटाना, खदेड़ना, जबरन वहाँ से उठाना, ऐसी कई तस्वीरें हैं जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर चल रही हैं। क्या हेमंत सोरेन की तरफ से कोई जानकारी इसको लेकर दी गई है क्या, क्योंकि सीएम आवास की तरफ ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और साथ ही साथ हेमंत सोरेन से सवाल अब तो मुख्य विपक्षी पार्टी भी कर रही होगी, ये पूछ रही होगी कि भाई क्या है लॉ एंड ऑर्डर का सिस्टम। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ऐसे मामलों में कभी भी मुख्यमंत्री, कहीं के भी मुख्यमंत्रियों, सीधे तौर पर उनकी दखलंदाजी नहीं होती है। और सबसे बड़ी बात है कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी नाराज़गी है तो उसका पूरा एक कोरम बना हुआ है कि आपका जो प्रतिनिधि मंडल होगा उसमें कौन लोग शामिल होंगे। अगर आपको मुख्यमंत्री से भी मिलना होता है तो बाकायदा खुद मुख्यमंत्री को लगता है कि मामला अगर बहुत गंभीर है तो वो मिलने का समय देते हैं, या उनका जो अगर कोई जिसे वो सुझाते हैं कि इनसे आप मिल लीजिए, तो वहाँ पर 4 सदस्य 5 सदस्य जो टीम होती है प्रदर्शनकारियों की, वो नेतृत्वकर्ता के नेतृत्व में पहुँचती है। ऐसा नहीं होता है कि आप जबरन चाहेंगे कि हम मुख्यमंत्री से मिल लें, बैरिकेडिंग तोड़ के मुख्यमंत्री से मिल लें, तो फिर आप कानून के रक्षक होते हुए भी आप कानून तोड़ने वाले की श्रेणी में आ जाते हैं। और ठीक आज झारखंड के सहायक पुलिसकर्मियों के साथ यही हुआ है कि जब आप अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करने गए तो देखिए कि मजबूरन, क्योंकि बहुत सारे जो पुलिसकर्मी हैं वहाँ पे उनका कहना है कि ये भी हमारे ही विंग के हैं, लेकिन कानून व्यवस्था पर कोई भी अगर कुठाराघात करेगा, अगर कानून व्यवस्था को चोट पहुँचाने की कोशिश करेगा तो फिर कानून सम्मत कार्रवाई की जाएगी। और ठीक वैसा ही हुआ, मांगों को लेकर, अधिकारों को लेकर यहाँ सड़कों पर आ गए सहायक पुलिसकर्मी, लेकिन यहाँ परेशानी बढ़ती हुई नजर आ रही है।